हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका टिकी कोचिंग राजेश टू में वेलकम है। देखिए, सबसे पहले हम आपको आज कुछ पैसो वाइस में स्पेशल रूल बताते हैं। क्या बताते हैं? स्पेशल रूल टू का प्रयोग। देखिए, टू का जो प्रयोग है आप किस तरह करना है। देखिए, पैसो वाइस में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप अगर देख रहे हैं तब तो ठीक नहीं, कोई बात ही नहीं है। अगर देख के सीखना चाहते हैं अच्छी बात नहीं था, कोई बात नहीं। देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा देखिए, नहीं कोई बात ही नहीं है। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए देखिए, टू का प्रयोग कब होता है। यदि मेन वर्ब के बाद एमवी, मतलब मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब देखिए आपको कहा जैसे इज एम आर वाज वेयर ठीक है, मतलब ETC कोई भी अगर वर्ब रहे उसके साथ अगर टू लगा रहे के साथ टू लगा हो तो कैसे बदलते हैं। देखिए, आपको ये आपको बताते हैं। अगर टू लगा हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये चीज ध्यान दीजिए। ओके, नहीं दिखाई दे रहा, छोटा दिखाई दे रहा। चलिए, थोड़ी चमक रहा है भाई, क्या करें, टिकड़ा दिख रहा है। चलिए इसे देखते हैं, सब आपको दिखाई देगा। लगा हो तो आप क्या करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। लगा हो तो आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे। देखिए, इसमें जो रूल है वो सब्जेक्ट क्या रहता है, जो सब्जेक्ट होता है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बनता है? देखिए, पहले नंबर एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा। नंबर थ्री, मेन वर्ब आपका जो रहेगा, जो वर्ब रहेगा V1, जो वर्ब, देखिए आपका जो वर्ब रहेगा वो V3 बन जाएगा, मतलब वर्ब का थर्ड भाग बन जाएगा। और देखिए, सब्जेक्ट आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, देखिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब जो होगा V3 बन जाएगा, और क्या सब्जेक्ट क्या बन जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नंबर चार देखिए, और जो टू रहेगा, टू के साथ कोई भी सहायक क्रिया जैसे रहेगी इज एम आर कुछ कोई भी ले लीजिए, डॉट वो आपका क्या हो जाएगा। देखिए, इसके साथ क्या हो जाएगा, टू बी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टू बी, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, टू बी हो जाएगा। ओके कि नहीं? देखिए, जैसे रूल आपको दिखा देते हैं, रूल देखिए, सबसे पहले आपको क्या करेंगे, पैसे वैसे बनाते समय देखिए, पैसिव वाइज बनाते समय देखिए, पैसिव वाइज बनाते समय आपको क्या करना है वो चीज देखिए। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा, देखिए क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस आपका क्या रहेगा, इज एम आर कोई भी चीज रहेगा, यहाँ इज एम आर वाज में कोई भी रहे, प्लस क्या रहेगा आपके पास, टू बी, टू बी प्लस उसके बाद क्या रहेगा, V3 क्या रहेगा, V3 प्लस बाई, ठीक है,
प्लस सब्जेक्ट क्या रहेगा? सॉरी यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा, नहीं क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। ठीक, देखिए इसी रूल से आप चलेंगे, अगर इसी रूल से आप चलेंगे तो आपको पक्का आ जाएगा। देखिए जैसे कोई कुछ हम आपको दिखाते हैं एक दो सेंटेंस आप करके, देखिए ध्यान दे लीजिए, देखिए ऑब्जेक्ट अब दिखाई दे रहा है क्या? लास्ट वाला देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वेयर हैज हैड कुछ भी रहे, टू बी, लेकिन टू बी को मेन हमें अभी चेक करना है, ये टू बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस आपको देते हैं, चलिए कोई इसको मिटा दे दो वाला, चलिए मिटा दें, देखिए चलिए मिटाते हैं फिर देखते हैं। रूल नहीं समझ में आ रहा, चलिए फिर से लिख दे रहे हैं, देखिए चलिए नहीं चलिए कोई बात नहीं, और लिखा लिख देते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो हम आपको फिर लिख देते हैं। देखिए पहले रूल जो है, देखिए रूल यही है, पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट ओके, सब्जेक्ट बनाइए, ऊपर कर दें, चल दिखाई दे रहा, चल देखिए सब्जेक्ट प्लस, देखिए मैं क्या करना, एज एम आर वाज वेयर हैज हैव कुछ भी दिख रहा है, डॉट डॉट कुछ भी रहेगा आपका, तो इसके साथ आपका लगा रहेगा हैज हैव ओके। चलिए उसके बाद देखिए हैज हैव के बाद क्या है आपका है, प्लस टू बी, देखिए इसके आगे फिर लिखिए प्लस क्या रहेगा, वी थ्री प्लस क्या रहेगा, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इतने चीज अगर आपको आ रहा है तो आपका सही है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए तब आपको याद आएगा। नंबर एक बहुत इजी, बहुत कठिन नहीं है, आई एम टू राइट, आई एम टू राइट, आई एम टू राइट ए बुक ओके, आई एम टू राइट ए बुक। देखिए इसमें क्या ये सब्जेक्ट है, ये देखिए आपका ही देखिए मेन है ये ना, फिर ये राइट देखिए आपका क्या है मेन वर्ब है, देखिए क्या है ये आपका वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ये आपका वर्ब है, ठीक नहीं? देखिए अब हमें क्या करना है, ये चीज देखिए आगे, ये चीज पीछे जाएगी, ये चीज आगे जाएगी, ये चीज ध्यान देना है। पहले हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए बुक ओके, ए बुक के साथ देखिए क्या यहाँ आई एम है, यहाँ इज लग जाएगा, इज देखिए मैं बताया ना सब्जेक्ट पर इज मान लीजिए कुछ भी रहेगा, फिर टू भी रहेगा, देखिए टू लगा तो यहाँ क्या इज है, टू टू के साथ क्या जाएगा बी लग जाएगा। यही चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं, साहिब एक बार टू लगा है तो आपका टू बी हो जाएगा, और पुराना जैसे आप करते हैं शेष उसे पीछे तरह ही करेंगे, रिटेन देखिए रिटेन थर्ड फॉर्म वी थ्री, फिर उसके बाद बाई, फिर उसके बाद क्या रहेगा आपका आई करके थर्ड फॉर्म मी हो जाएगा ओके। अगर जिसको देखिए ये प्रोनाउन नहीं आ रहा है तो एक मिनट वो प्रोनाउन बता रहे हैं, देखिए अगर आई है तो मी ले जाइए, वी है तो आप ले जाइए, यू का यू रहेगा,
ठीक ही है तो हिम हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा, इट है तो देखिए इट है तो इट ही रहेगा, दे है तो देम हो जाएगा। बस इतना चीज जानिए ये, हाँ देखिए ये चीजें आपको दिया रहेगा, इसका अगर आप इसमें करेंगे बाय के बाद ये चीजें आपको लगानी पड़ेंगी। ओके हाँ, बस इसी में आप बाई लगाएंगे, हाँ सबके साथ बाई लगाएंगे, पूरी के साथ बाई लगाएंगे, आपको सर्जित हो जाएगा। देखिए दोस्तों सर्जित, देखिए देखिए बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है, अगर देखेंगे तो जय दिया जाएगा आपको। बोलिए किसको नहीं आ रहा पहले ये बताइए, हाँ जिसको नहीं आ रहा पहले वो बंदा हमको बताए कि हमको नहीं आ रहा, तब हम आपको बताएं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। बताइए देखिए संचय अगर लीजिए आई वाज क्वेश्चन में, तो आई वाज ठीक है, देखिए आई वाज हो गया टू हेल्प हिम, आई वाज टू हेल्प हिम। देखिए बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि इसमें क्या खाद है, खाद यही खाद, देखिए जो टू लग रहा है अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है देखिए हेल्पिंग सहायक क्रिया के बाद अगर आपको क्या लग रहा है टू लग रहा है तो पूरी पैसिव वॉइस में अंतर आ जाएगा। अब इसी चीज को देखिए आगे पीछे करिए, देखिए यहाँ हिम है, हिम को आगे ले जाइए, ही हो गया, अब वाज है ठीक है, तो ही के साथ वाज ही लगता है, टू है तो टू भी हो जाएगा, हमने आपको कहा था ना ही वाज टू बी हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प पे क्या रहेगा, हेल्पेड हेल्पेड, आप बाई लगाइए आई है तो थर्ड फॉर्म मिल, बस इसी तरह आपको करना है, बहुत टफ नहीं है, हाँ इसी तरह आप करेंगे तो आपका हो जाएगा। ओके अब अगर देखिए अगर इसी जगह मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई दूसरा सेंटेंस आ जाए, चलिए अगर यहाँ बदल के हम यहाँ ही इज कर दें, ही इज, तब आपका क्या होगा, तो देखिए ही इज टू हेल्प हिम, देखिए ही इज हेल्प, यहाँ मी लगा दीजिए तब थोड़ा ज्यादा अच्छा है, मी तो यहाँ देखिए मी के आगे आएगा, देखिए आई हो जाएगा, आई देखिए इज है तो यहाँ इज लगा दीजिए, ही टू हेल्प इट बाई मी की तो क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा। देखिए सब कुछ पीछे देखिए इसी तरह आप देख करेंगे तो आपको सब आ जाएगा, इसमें कोई नया नहीं है, बस खाली आपको यही टू बी को ध्यान देना है, अगर टू लगा हुआ है यहाँ टू बी हो जाएगा। चलिए देखिए तीन टाइप का है, कितने टाइप का है देखिए, ये थ्री टाइप का है, थ्री टाइप, एक टाइप तो आपको आ गया होगा, अब सेकंड टाइप आपको बताते हैं, कौन सा टाइप बताते हैं सेकंड टाइप। चलिए देखिए फर्स्ट टाइप अगर आ गया हो तो सेकंड टाइप आपको बताने का कष्ट करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों सेकंड टाइप में क्या कहता है, जो रूल है उस सेकंड टाइप का रूल, देखिए सेकंड टाइप का रूल कहता है यदि यदि जैसे नंबर एक दियर क्या आता है, देखिए देयर इज नो मनी, देखिए देयर इज नो क्या आता है, देयर इज नो देखिए याद एक वर्ड, नंबर टू या तो देयर इज, देखिए इस तरह देयर इज नथिंग,
देयर इज नथिंग। तीसरा देखिए, अगर देयर इज क्या आ जाए, देयर इज टाइम, देयर इज टाइम, देखिए यहाँ इज वाज वेल कुछ हो सकता है। अगर इस तरह के सेंटेंस तीनों आ जाए, देखिए तीन तरह के सेंटेंस आ जाए और इसके बाद इसमें टू लगा हो, टू लगा हो, ठीक है, तो टू टू लगा हो तो इसमें इसको कैसे बदलेंगे। देखिए अगर टू लगा हो इसको कैसे बदलेंगे, देखिए बदलने का नियम, देखिए बदलने का नियम ध्यान से देखेंगे तभी आपको आएगा, अदरवाइज आपको नहीं आएगा। ओके चलिए देखिए, इस तरह सब्जेक्ट अगर आ रहा है तब आप देखिए क्या करते हैं। देखिए जो रूल रहेगा, डियर पहले तो इतना उतार लीजिएगा, इतना जो सेंटेंस है इतना उतार लीजिए। ओके आगे पहले डियर डियर इज नो नो नथिंग टाइम जो है उतार लीजिए इतना, प्लस प्लस के बाद आप क्या करेंगे, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा जो कुछ भी रहेगा इसके बाद जैसे जो भी रहेगा उसको उतार लीजिए, जैसे देयर इज नो मनी, मनी कुछ उतार लीजिए, फिर टू लगाइए, टू के बाद यहाँ बी, देखिए टू रहे तो टू के बाद बी प्लस वन थ्री, देखिए इसी तरह आपको करना है। जैसे एक रूल आपको क्या दिखाते हैं, नंबर एक देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी टू बाई, देखिए यह है तो अंतर में आप क्या करेंगे, देखिए सर इतना सेंटेंस आप उतार लीजिए, इतना सेंटेंस में कोई फर्क नहीं है, यह उतारिए देयर इज नो मनी, ठीक देयर इज नो मनी। और देखिए टू को मैंने क्या बताया हमें कि टू बी लगाना है, क्या लगाएंगे टू बी, फिर उसको लिखा वर्ड का थर्ड फॉर्म, इसका वर्ड थर्ड फॉर्म बाई का बाट हो जाएगा। ओके देखिए देयर इज नो मनी टू बी बॉट आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, चलिए सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए जाए, देखिए इस तरह इसी में थोड़ा कर देते हैं तो जल्दी हो जाए। चलिए चलिए मान लीजिए आपका आता है देयर इज नथिंग, देखिए तो सेंटेंस देयर इज नथिंग, ओके देयर इज नथिंग टू गेन, टू गेन देयर इज नथिंग टू गेन आया तो आप क्या करेंगे, देयर इज नथिंग, देखिए फिर टू या टू बी लिखेंगे, टू के स्थान पर देखिए टू के स्थान पर टू बी, गेन का क्या हो जाएगा गेन, देखिए आसानी से हो गया, टू बी के पास वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है तो आपका क्या हो गया गेन हो गया। चलिए दूसरे टाइप के सेंटेंस देखते हैं, चलिए इसको मिटा के इसको करिए, देखिए अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाता है देयर इज टाइम, देयर इज टाइम टू स्टडी, चलिए सेंटेंस ये आ गया स्टडी, देयर इज टाइम टू स्टडी, तब आप क्या करेंगे पहले देयर इज टाइम उतार लेते हैं, हमने आपसे कहा ना कि इतना सेंटेंस आप हमेशा उतारते जाइए, इसमें कुछ करना है, अब टू के स्थान पर टू भी तो रहेगा ही, अब स्टडी को खाली बदल देना, स्टडी को स्टडीज हो जाएगा, देखिए संदेश पूरा हो गया, पता ही आपको बदल रहा था। देखिए अगर इसी जगह मान लीजिए वाज आ जाता है, जैसे यहाँ पर वाज तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भी वाज लगा दीजिए, बस देखिए सब कुछ हो जाएगा। देखिए ये आपका क्या हो गया सेकंड टाइप रूल हो गया, आपका क्या कौन सा टाइप रूल हो गया सेकंड टाइप।
देखिए दोस्तों थर्ड टाइप रूम इट इज टाइम, देखिए उसमें भी इट इज टाइम था, इसमें भी इट इज टाइम है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? देखिए उसमें भी इट इज टाइम था, इसमें भी इट इज टाइम है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? देखिए पहले वाले में ये था कि पहला जो बता रहे पहले वाले में ये था, इसके बाद हमेशा क्या आता था, मेन वर्ब आता था, केवल एक मेन वर्ब रहता था, मेन वर्ब जैसे मतलब स्टडी हो गया, गेन है देखिए उसमें, तो उसी के बगल में इसकी थर्ड फॉर्म बना देते हैं। सेकंड टाइम वाले में क्या है देखिए, अगर इट इज टाइम, टाइम के बाद क्या आ जाता है, मेन वर्ड तो रहेगा ही है, मेन वर्ड का प्लस ऑब्जेक्ट भी है, ये देखिए आपका रूल नंबर थर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूल नंबर थर्ड हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोनों देखिए अंतर बता दें, कंफ्यूज मत हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा रूल नंबर थर्ड हो जाएगा। इसके लिए देखिए रूल क्या है, रूल पहले इट इज टाइम उतार लेंगे, इट इज टाइम उतार लेना है, देखिए उतार लेना है, उसके बाद आपको क्या लगाना है इट इज टाइम के बाद, बताइए हाल लगाना है, क्या लगाना है, हाल लगाना है, हाल के बाद क्या लगाना है बताइए, ऑब्जेक्ट क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट देखिए बताएगा, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, टू बी, टू बी प्लस टू बी के बाद आप क्या लगाएंगे बताइए, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, चलिए करके देखते हैं। देखिए नंबर एक इट इज टाइम टू प्रिपेयर, टाइम टू प्रिपेयर, पी आर पी ए आर ई, देखिए इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द एग्जामिनेशन, ई एक्स ए एम आई एन ए टी आई ओ एन, देखिए क्वेश्चन ये दिया रहेगा आपका इस तरह का, आपको क्वेश्चन देखिए देख रहे हैं, इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ये क्वेश्चन आपको देगा इस तरह, इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, तो हमने बताया इट इज टाइम उतार लीजिए अंतर में, इट इज टाइम देखिए उतार लिया, इट इज टाइम के बाद देखिए तो आपको क्या लगाना, फॉर, देखिए हमने फॉर लगा दिया, फॉर के बाद आपको क्या लगाना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपको क्या है, एग्जामिनेशन, यहाँ लगा दीजिए एग्जामिनेशन, ई एक्स एम आई एन ए टी आई एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के बाद आपको क्या लगाना, टू बी, देखिए यहाँ क्या लगाना, टू बी, देखिए टू था ना तो आपको क्या लग जाएगा, टू बी, टू बी, टू बी के बाद आपको क्या लगाना, वर्ब का थर्ड पार्ट, तो वर्ब कौन है, प्रिपेयर है, तो आपका प्रिपेयर हो जाएगा, पी आर ई पी ए आर ई डी, देखिए इस रूल को देखेंगे तभी आपको आगे, देखिए इट इज टाइम फॉर एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर, देखिए इस तरह बन गया, देखिए दोनों की इट इज टाइम, इसमें देखिए अंतर है, मान लीजिए सेंटेंस देखिए दूसरी तरह से आता है, चलिए देखिए मान लीजिए सेंटेंस इस तरह आपको बदल गया, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर, देखिए लर्न कंप्यूटर, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर, तो आप क्या करेंगे देखिए, आप देखिए इतना मीटर मीटर जाएगा, देखिए इतना मीटर हमने आपको बताया रूल बस वही रहेगा, पहले इट इज टाइम उतार लेंगे देखिए, फिर उसका फॉर लगाएंगे, मैं ऑब्जेक्ट कौन है, कंप्यूटर, यहाँ कंप्यूटर लिख दीजिए, देखिए एक चीज बताइए कंप्यूटर पर टू भी लगेगा ही, ठीक है कंप्यूटर पर देखिए टू भी लगेगा, थर्ड फॉर्म देखिए लर्न है तो लर्नेट हो जाएगा, ठीक हो गया लर्नेट आया, चलिए नहीं है तीसरा क्वेश्चन में आइए, अगर आपको नहीं आ रहा है चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए चलिए देखिए इतना क्वेश्चन हार्ड दे देगा, इट इज टाइम कितना देगा, डू देखिए ध्यान बदल जाएगा,
इट इज टाइम टू डू आवर होमवर्क, आवर होमवर्क। चलिए देखिए थोड़ा टफ है, था भी टफ नहीं है कि आपको नया है। अब देखिए इट इज टाइम, देखिए इतना चीज एकदम कॉमन उतरेगा। अब ये देखिए कंप्यूटर बता देंगे ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, आवर होमवर्क, यहाँ डाल दीजिए आवर होमवर्क। होमवर्क टू भी रहेगा ही, टू का देखिए थर्ड फॉर्म बनाइए, देखिए थर्ड फॉर्म में रहेगा टू डू डिट डन, देखिए डन हो गया। ओके कि नहीं आ रहा, चलिए एक और कह लीजिए, देखिए नहीं आ रहा है, चलिए इसको मिटा रहे हैं, देखिए साथ साथ जल्दी चलिए चलिएगा, देखिए इसको मिटा रहे हैं। मान लीजिए ले लीजिए इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, चलिए क्रिकेट हो गया। तो आप क्या करेंगे, देखिए इतना चीज तो कुछ करना ही नहीं है, क्रिकेट भी यहाँ लाइए, देखिए हमने आपको बताया था क्रिकेट भी यहाँ लाइए, देखिए लास्ट के बाद नहीं बताया क्रिकेट टू भी मतलब बताए थे, ऑब्जेक्ट के बीच में टू भी रहेगा, फिर यहाँ प्ले करेगा प्लेट हो जाएगा बस आपका, देखिए ये हो गया। ये बहुत स्पेशल रूल है जो आपको करने के लिए कहेगा। देखिए हमने तीन नियम बता दिया, क्या कह दिया, तीन नियम आपको बता दिए, चलिए अब आपका अभ्यास देते हैं, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जितना भी है, देखिए सब लोग अभ्यास करिए। नंबर एक प्रश्न अंकित करिए, आई कैन टू हेल्प, ठीक है हेल्प हर। नंबर थ्री ही सुड टू इट मी, और देखिए we have to help him। चलिए और देखिए छठवां देखिए we ought to invite them, सातवां देखिए There was time to labor। दिखाई दे रहा, देखिए सब लोग को, चलिए आप वहां देखिए आठ और नौवां देखिए इट इज
देखिए इट इज नाउ टाइम, इट इज नाउ टाइम टू इट, ठीक है, इट माय फूड, दिखाई दे रहा, देखिए सब लोगों को, चलिए ठीक है। दस देखिए, इट इज टाइम, इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू, लर्न योर बुक। चलिए देखिए, दस क्वेश्चन हमने आपको बना के दे दिया। अब दस के बाद देखिए ग्यारह बारह करिए, थोड़ा थोड़ा चेंज कर लीजिए। दस देख बहुत है, दस बहुत है, बीस इसको बीस कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज कर लीजिए। करेंगे किराने दे, दस क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, सीख जाएंगे। कह लो दस आओ, देखिए चलिए। देखिए दोस्तों, अब इसको हमने पलट पलट दिया। यहाँ आप देखिए जो क्या आई है, आई को हटा के दे लगाइए, बस देखिए यहाँ आई को जगह आर हो जाएगा, दे आर। चलिए देखिए, देखिए दस जगह दे आर टू बी हेल्प आर फादर, हेल्प आर अगला देखिए, ही इज टू इट मी, इसका देखिए वी वर टू हेल्प यू, स्टॉप लगा दीजिएगा, वी वर टू हेल्प यू। अगला देखिए, आई हैड टू हेल्प हिम, इट इज टाइम टू क्लोज ए डोर, वी आउट टू कॉल हिम, देयर वाज टाइम टू लर्न, स्टॉप कर दीजिएगा, there was time to learn, there is nothing to say, nothing to buy, it is now time to play a game, it is time to give a pen। देखिए आप लोग इसको कह लीजिए, करके आप लोग हमें बताइए कि आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी पता चलेगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके चलिए कह लीजिए, देखिए दोस्तों अगर आप लोगों को हो गया है तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएगा कि आप लोग कैसा लगा, ये मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा है ख़राब है, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। अगर आपको मेरा अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। आई प्रे फॉर द गॉड यू विल बी 90% कम इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू, गुड नाइट।